नमस्कार मित्रों, मैं हूं रूना आशीष और आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके घर में दीपक जले, आपके घर में रोशनियां आए, आपके घर में इतनी सारी मिठाइयां आए और उसे डबल ट्रिपल मात्रा में खुशियां पदार्पण कर दे। और जो देवी लक्ष्मी माँ है और गणपति बापा है, सभी देवता आप पर प्रसन्न रहे, ऐसा मैं चाहती हूँ, प्रार्थना करती हूँ आप सभी के लिए। तो ऐसा करते हैं कि इस समय में मुंह मीठा कराने वाली कुछ न्यूज आपको सुनाती हूँ, जिसमें डेफिनेटली पवन और अरुणिता की न्यूज शामिल होने ही वाली है। लेकिन उसके पहले कुछ एक न्यूज और बता देती हूँ आपको। एक तो जो आपके पवन अरुणिता का मंजूर दिल है, वो एक साल पूरे कर चुका है। 23 तारीख को ये रिलीज हुआ था, लास्ट ईयर की बात है। एंड आई थिंक पवन अरुणिता आशीष का ये जो कॉम्बिनेशन है, भयानक डेडली कॉम्बिनेशन लेकर आए थे ऑक्टोपस एंटरटेनमेंट। और मुझे लगता है वन ऑफ द फेवरेटेस्ट अगर कोई सॉन्ग है तो मंजूर दिल है, मेरे दिल के बहुत करीब है। तो चलिए, मंजूर दिल के एक साल फिनिश करने के लिए आपको ढेर सारी बधाइयां। अभी तो बहुत सालों तक इस गाने ने और लोगों के दिलों में अपने घर दिलों में घर बनाने की लिए लगा रहेगा ये सॉन्ग, ऐसा मुझे लगता है। सेकेंड, अब मैं आपको फैज की बात बताती हूँ। फैज की तरफ से गुड न्यूज है, लाजवाब ये वाला सॉन्ग डेफिनेटली आपके सामने आ चुका है, HR देकर आ रहे हैं। और इसमें ना फैज जो है कहने के लिए सिंगर है, लेकिन का उनके सिर पर ना दो दो पापाओं का आशीर्वाद है। अब ये दो दो पापा कौन से, मैं आपको वो बताती हूँ। तो हिमेश रेशमिया जी के पापा जी जो है विपिन रेशमिया जी, वो इसमें दिखाई दिए हैं, ठीक है। और विपिन रेशमिया जी एक बहुत जाने माने अरेंजर रहे हैं अपने जमाने के, और सर्टनली इनका नाम बहुत ज्यादा रहा है अलग अलग जगह पर जाकर लाइव शोज करने के लिए। इनफैक्ट HR ने एक बार एक इंटरव्यू में बताया था कि वन ऑफ द बेस्ट फेज ऑफ माई लाइफ इज जब मैं पापा के साथ यहाँ वहां शो करने के लिए जाता था, और मैं बहुत लोग मुझे प्यार किया करते थे क्योंकि मैं उनका बेटा हूँ। सो एक तो पापा जी ये हो गए, और दूसरे पापा जी हैं विश्वजा जाधव, जो कि आपको सुप्रसाद सिंगर्स 2 में दिखाई दी थी, मुझे तो बड़ी अच्छी लगती थी, सब बच्चे अच्छे थे। तो चलिए छोड़िए, ये वाली बच्ची जो अच्छी थी, उसके जो पापा जी हैं जो कि ढोलक प्लेयर हैं विजय जाधव जी, वो भी इस गाने में यानी कि लाजवाब सॉन्ग में दिखाई दिए हैं। तो वाह भाई फैज, दो दो पापाओं का एक्स्ट्रा प्यार मिल रहा है तुमको, तो तुम जी और खूब सारे गाने गाओ, ओके। अब इसमें एक और गुड न्यूज मैं आपको सुनाती हूँ, जिसमें कि वो चेरापूंजी की बात कर रहे हैं। नेटफ्लिक्स पर एक एड आया है दिवाली को लेते हुए, बहुत प्यारे प्यारे से बच्चे हैं उसमें। और चेरापूंजी जो है पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश चेरापूंजी के पास एक जगह है वहां पर होती है, लेकिन कहां चेरापूंजी जाता है उसमें बताया कि यहाँ बारिश में बारिश होती है, ठंड में भी बारिश होती है, गर्मी में भी बारिश होती नहीं, बारिश होती रहती है। अब आप सोचिए कि बारिश के टाइम पे कोई कैसे दिवाली मनाएगा, तो कैसे मिलकर फैमिली वाली दिवाली मनाई जा सकती है, ये दिखाने की कोशिश की है। सीरियसली मुझे ये एड बहुत क्यूट लगा, इसलिए आपसे शेयर कर लिया मैंने, ठीक है। अब बात करती हूँ एक अच्छी खासी न्यूज का। मैंने आपसे कुछ दिन पहले कहा था कि पवन और अरुणिता का अभी तक का जो प्लान है, अकॉर्डिंगली दे विल गो टू US, US में उनका जो मोस्टली देवल सेलिब्रेटेड देयर, बट सर्टनली फुल डिटेल्स टाइम वाइज मेरे पास तब तक नहीं थी। लेकिन अब एक नया अपडेट आ रहा है, वो ये कि ये लोग भारत आ चुके हैं, यानी कि इस बार पवन और अरुणिता की जो दिवाली मननी है वो भारत में ही मननी है, अगर सूत्रों की मानते हैं तो। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बात और क्लियरली बताना चाहती हूँ, हाल फिलहाल मेरे पास ऐसा कोई फोटोग्राफ नहीं है और ना ही ऐसा कोई पुख्ता सबूत है जो मैं आपसे शेयर कर सकूं, लेकिन ये सोर्सेस की इंफॉर्मेशन है। तुषार ने अपने स्टोरी पे हाल ही में इसे अपलोड भी किया था, और जब आप पवन और अरुणिता की स्टोरीज देखते हैं, पवन की और बाकी लोगों की स्टोरीज देखते हैं, तो ऐसा कोई अपडेट उनकी तरफ से नहीं आ रहा है कि हम यहाँ हैं या हम वहां हैं। की फर्क पड़ता है जी, जहां पे भी खुश रहो, इससे ज्यादा तो हमको कुछ नहीं चाहिए। अब और इन्फॉर्मेशन आने का मैं वेट कर रही हूँ, जैसे ही आएगी इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली आपके सामने आ जाएगी। लेकिन तब तक मुझे ये बताइए कि अभी तक आपकी दिवाली मन कैसी रही है, यानी दुआएं तो मेरी ये हैं, प्रार्थनाएं तो ये हैं मेरी कि आपके घर में खूब सारे मिठाइयां आए, खूब सारे लोग आपसे मिलने के लिए आए, खूब मीठा खाएं, आप जी भर के खाएं, और खूब सारे मीठे मीठे पवन अरुणिता और बाकी आइडल्स के और सुप्रसाद सिंगर्स के गाने सुनते रहें। और मुझे लेकर बताइए ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी है। जय हिंद।